थानांतर्गत मिसिंग मोबाइल की शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस द्वारा जांच शुरू की गई। इस जांच के दौरान कुछ मोबाइल पुलिस ने डिटेक्ट कर मोबाइल के असली हकदार को ये मोबाइल सौंपे गए। ऐसी जानकारी मानकापुर पुलिस थाने की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैजयंती मांडवधरे ने दी। पहले अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल खून हो जाता था तो वो व्यक्ति शिकायत तो दर्ज कराता था, मगर मन ही मन ये सोचता था कि ये मोबाइल अब मुझे कभी नहीं मिलेगा। मगर नागपुर पुलिस ने साइबर विभाग के साथ इस सोच को बदल दिया है। बीते कुछ दिनों में नागपुर शहर के पुलिस ने हजारों गुम हुए मोबाइल उसके असली मालिक को देकर हजारों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। आज दिवाली की पूर्व संध्या पर मानकापुर पुलिस ने 6 मिसिंग मोबाइल डिटेक्ट कर मोबाइल मालिकों को सौंपे हैं। पोस्टे मानकापूर येथे 2020 जे मोबाईल मिसिंग झालेले होते त्या गुन्ह्यांचा तांत्रिक पद्धतीने शोध घेऊन IMEI नंबरवरून त्या मोबाईल शोधून काढलेले आहेत। आत्ता याच्यापूर्वीसुद्धा आम्ही 6 मोबाईल 8 दिवसापूर्वी परत केलेले आहेत। आतासुद्धा आम्ही परत 6 मोबाईल 70,000 एकूण मुद्देमाल दिवाळीच्या पर्वावर आम्ही आज त्यांना परत करणार आहोत। त्यांचे जे तांत्रिक पद्धतीने IMEI नंबर किंवा त्यांचे CDR वगैरे घेऊन आम्ही त्याचा शोध घेतलेला आहे। मोबाईल सापडले असे चोरीच्या गुन्ह्यातले वगैरे ते सध्या तरी मिळून येत नाही। आणखी पुढे तपास करून तसा काही प्रकार आहे का याचासुद्धा शोध घेण्याची तजवीज आहे। मोबाईल साधे आहे का ॲपल सारखे? अँड्रॉइड फोन आहेत सगळे। मुद्देमाल किती? 70,000 एकूण मुद्देमाल। अचानक मिली इस खुशी उन लोगों पर साफ तौर पर दिखाई दे रही थी जिन लोगों ने उस फोन को अपने हाथ में लिया। साथ ही पुलिस प्रशासन की सराहना करते हुए उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख BCN न्यूज नागपुर।